मुनव्वर फारूकी की टीम को आर्काइव रूम में क्यों बुलाया, रियल रीजन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जो टास्क हुआ उसके बाद विकी जैन और इन सब लोगों ने जो चीजें छुपा दी, ठीक है। अब जो चीजें छुपा दी थी वो इनकी टीम को बुला के दिखाई गई कि देखो ये यहाँ चीजें जो छुपाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 28 मिनट्स है और या तो आप इस पूरी टीम को जो है नॉमिनेट कर दो, ये तो आपके साथ ज्यादती हो रही है कि भाई यहाँ पे जो चीजें हैं इन्होंने छुपा दी है ताकि आप इनके ऊपर उस लेवल का टॉर्चर ना कर सको। इसीलिए जो है मेकर्स ने, बिग बॉस ने जो है कॉल आउट किया कि भाई इन्होंने डबल जैकेट्स पहनी हुई है, इन्होंने डबल ट्राउजर्स पहने हुए, इन्होंने अपना पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब ये चीजें दिखाने का रीजन क्या था, वो ये था कि भाई पहले तो इनकी तैयारी को पूरा करने दिया जाए, उसके बाद उनको बताया जाए कि जाओ अब टास्क कल होगा, उसके बाद इनकी चीजें पूरी जो है वो देखी गई और उसके बाद इनकी चीजों को दिखाया गया टीम ए को, मुनव्वर की टीम को, कि भाई ये देखो ये क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन चारों को बुलाया गया और ऐसी सिचुएशन में डाला गया कि भाई अब यहाँ पे जो है ना कोई रिस्क ना ले, कि उन्होंने बोला कि आपके पास 28 मिनट्स है, या तो आप ये चीजें ढूंढे और टास्क करें या तो फिर आप जो है इनको सीधा सीधा नॉमिनेट करें। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जो टाइम पीरियड था उसमें ढूंढते चीजें लाते निकालते उसमें कितनी एनर्जी वेस्ट होती, ठीक है। जहां पे मुनव्वर, मनारा, अरुण ये चाहते थे कि भाई हम जो है टास्क परफॉर्म करेंगे हर सूरत में, क्योंकि जितना इन्होंने हमें टॉर्चर किया हम भी करेंगे, वहां पे अभिषेक ने कहा कि यार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, यहाँ पे मैं कहता हूँ इनको डायरेक्ट नॉमिनेट कर दो। वहां पे मेकर्स खुद ये चाहते थे कि डायरेक्ट ये नॉमिनेट हो जाए, क्योंकि मेकर्स खुद भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जो है ना बगैर कोई रिस्क लिए कोई ऑप्शन दे दें कि आप इनको डायरेक्ट नॉमिनेट कर दें। यहाँ पे ये ऑप्शन, ये जो अपॉर्चुनिटी इनको मिली है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन ये सही अपॉर्चुनिटी मिली है। ऑफकोर्स जब आपने दूसरों के ऊपर इतना टॉर्चर किया तो अपनी बारी में आपने सारी चीजें छुपा दी, खुद आपने आपको कवर करके आगे बैठ गए, तो फिर कैसे चलेगा। यहाँ पे जो है ना मेकर्स जो चाहते थे वो सक्सेसफुल हो गए और मुनव्वर, मनारा, अभिषेक, अरुण की टीम जीत गई ऑटोमेटिकली और वो लोग नॉमिनेट हो गए। यहाँ पे देखे ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, हमें भी अच्छा लगा कि सामने वाली टीम नॉमिनेट हो गई, क्योंकि एट द एंड नॉमिनेशन ही था, एट द एंड उनको नॉमिनेट होना ही था, ठीक है। अब क्या हुआ कि चारों के चारों ही नॉमिनेट हो गए। अब यहाँ पे जो मुनव्वर की टीम थी वो पूरी की पूरी सेफ हो गई, उन्होंने टॉर्चर सहा, लेकिन यहाँ पे उनकी पावर पैक परफॉर्मेंस नजर आई हमें कि भाई क्या खेले ये चारों मिलके, इन्होंने जो है ना वो जबरदस्त किस्म का जो है ना वो कंटेंट दिया, उस तरफ वो लूजर्स दिखे और साथ में लूजर्स तो दिखे ही दिखे, नॉमिनेट भी हो गए, मेकर्स भी खुश, हम भी खुश, मुनव्वर की टीम भी खुश। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।